तो कुछ अगर आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं। मैंने जब शुरू किया तब मैं कहीं पे काम कर रही थी, हालांकि मैंने 2000 में जर्नलिज्म शुरू किया था जी के साथ, फिर आईबीएन में जुड़ी, फिर P7 बंद हुआ, फिर मैंने बीबीसी डिजिटल हिंदी के लिए काम किया। बिग बॉस 13 की जो पॉपुलैरिटी थी उसको मैच कभी नहीं किया जा सकता है। वो बहुत रियल थे, उनकी दोस्तियां भी बहुत रियल लगती थी, उनकी दुश्मनियां भी बहुत रियल लगती थी। कैसे देखती हैं आप ये दो चीजों को, सलमान खान द सुपरस्टार मूवी स्टार और सलमान खान एज बिग बॉस होस्ट? एज अ होस्ट मैंने सलमान में ये देखा है कि वो हमेशा चाहते हैं कि उनके शो में जितने कॉन्टेस्टेंट आए वो बाहर आकर अपना करियर बहुत अच्छा बनाए। लोग बोलते हैं कि वो शमिता के लिए बायस है, मुझे ये लगता है कि वो शमिता के लिए बायस नहीं है। हीना जी बहुत बहुत स्वागत आपका एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। थैंक्स फरीदून, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, आपको फिल्म विंडो आधा मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुका है और मैं आपको बहुत सालों से जानता हूँ। दिस मस्ट हैव बीन, आई थिंक इन अ वे कैन बी से दैट ये आपका सबसे बेहतरीन फेज है एज अ जर्नलिस्ट। आई कैन से दैट, वाकई में ये मुझे रियलाइज हुआ खोलने के बाद कि आपको खुद का कुछ मतलब रिस्क लेने से पीछे नहीं हटना चाहिए। बहुत सालों से हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, मैं बहुत खुश होती हूँ जब मैं देखती हूँ फरीदून को, सब एक्टर्स फरीदून की तारीफ करते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैं तो इस वक्त आपके बारे में बात करना चाहूंगा कि दैट आधा मिलियन सब्सक्राइबर्स जोड़ पाना बहुत बहुत मेहनत की, कुछ अगर आप उसके बारे में बताएं। देखिए किसी भी काम में जब अपना सेटअप होता है ना फरीदून, मेहनत बहुत लगती है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे लगता है कि जरूरी है कि लोग आपसे कनेक्ट हो सके, आपकी जो आप बात बोल रहे हैं वो लोगों को क्रेडिबल लगे। हमारे जर्नलिज्म में यही चीज मेन है, जब हम जर्नलिस्ट हैं हमें लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। तो अगर ये इतने लोग जुड़े तो मुझे लगता है कि उन लोगों ने कुछ तो देखा होगा कि हाँ रिलेट कर पाए होंगे कि हाँ यहाँ पर सही सटीक खबरें मिलती हैं। मेहनत लगती है, चाहे आप अपना काम करें कोई और भी काम करें, मतलब मेहनत का कोई शॉर्टकट तो है ही नहीं, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। तो दिन रात गया है 1-1.5 साल, लेकिन लोगों का प्यार उतना ही मिला और आप लोगों की विशेष। That's amazing. तो कुछ अगर आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं, कैसे आपके 10,000 जब सब्सक्राइबर्स हुए तो आपका क्या 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 रिस्पांस था 50,000 पे और 1,00,000 पे, कैसे कैसे आपकी जर्नी थी? मैंने जब शुरू किया तब मैं कहीं पे काम कर रही थी, हालांकि मैंने 2000 में जर्नलिज्म शुरू किया था जी के साथ, फिर आईबीएन में जुड़ी, फिर P7 बंद हुआ, फिर मैंने बीबीसी डिजिटल हिंदी के लिए काम किया, फिर मैंने आवाज पॉडकास्ट किया, तो स्पॉटिफाई पे आप सुनेंगे मेरी कहानियां भी हैं, प्रेमचंद की कहानियां, तो वो आवाज के साथ किया और वो स्पॉटिफाई के साथ है। तो ये सब सीखा मैंने, मैंने अपनी जर्नी में प्रिंट भी सीखा, ब्रॉडकास्ट भी सीखा, पॉडकास्ट भी सीखा। तो सीखते 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 फिर मैं आगे बढ़ी, मुझे एक दिन रियलाइज हुआ कि मैं खुद का अपना करती हूँ। शुरू में लोग कनेक्ट नहीं हुए, जब मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की ना फरीदून, मतलब मैं भाऊ के घर गई थी पहली बार, हिंदुस्तानी भाऊ के घर, आसिम के जिम गई थी। मैंने बिग बॉस 13 से शुरू किया तो मुझे लगा कि मैं कुछ नया ट्राई करती हूँ, बिग बॉस इतना ज्यादा, और मैंने वो भी दिसंबर मिड से शुरू किया। मैंने बिग बॉस 13 भी पूरा नहीं देखा, अक्टूबर या नवंबर से शुरू किया मैंने थोड़ा 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 देखना, दिसंबर 15 तक तो मैं कहीं पे काम कर रही थी। फिर मुझे ये समझ में आया लोगों को ग्राउंड रिपोर्टिंग बहुत पसंद आती है, जब मैं उनके घर गई, आसिम के जिम गई, तब फटाफट मेरे सब्सक्राइबर बढ़ने लग गए। उन्हें लगा कि यहाँ कुछ अलग मिलता है, ग्राउंड से जुड़ी चीजें मिलती हैं, उनकी मदर से मिली, पड़ोसियों से मिली, तो ये मुझे रियलाइज हुआ। लेकिन फिर मार्च में लॉकडाउन ही लग गया, तो पिछले 1-2 साल से आप भी जानते हैं कि लोगों की जो हालत है, हम अभी फील्ड पर जाना अवॉइड कर रहे हैं जितना कम हो सके, तो लोग उससे ज्यादा जुड़ते हैं। ये मुझे समझ में आया कि आप ग्राउंड की डिटेल्स लेकर आए, कुछ ऐसी चीजें जो आप नया बता रहे हो। तो 50 हुए मेरे 1,00,000 तब हुए जब सुशांत का केस चल रहा था। तो ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो मुझे खुशी भी थी, थोड़ा दुख भी था, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़े, ये बात लगती है कि हाँ सब्सक्राइबर बढ़े, लेकिन जो सुशांत का मैटर था उससे हम सभी बहुत इफेक्ट हुए थे ना। तो लेकिन मेरा बेटा है उसको बहुत ज्यादा था कि मम्मा 1,00,000 हुए हैं, 1,00,000 हुए हैं, प्लीज 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 जो सिल्वर प्लेट आएगी आप लाइव जाकर ही खोलना। तो तब मुझे लगा कि चलो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। उस समय मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं लाइन जाकर सिल्वर बटन अपना ओपन करूं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बोला मैम आपको सिल्वर बटन मिला है, हम भी हिस्सा बनना चाहते हैं, तो मैं लाइव गई। मुझे फिर बाद में 500K हुआ तो माहौल थोड़ा अच्छा हो चुका था, कोरोना खत्म हुआ, तो मुझे लगा कि हाँ अभी सेलिब्रेट करने का टाइम है। तो मुझे 500K होने पे ज्यादा, 100K होने पे भी हुआ था, लेकिन वो तो उस समय माहौल कैसा था ना, कोरोना था, सब जगह से इतनी नेगेटिव चीजें ही सुनाई दे रही थी, तो वो मुझे खुशी ऑनेस्टली तब मैं उतना सेलिब्रेट नहीं कर पाई।
लेकिन 500 के हुआ तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ अभी सब नॉर्मल है, कोरोना भी कम हुआ है, थोड़ी पॉजिटिव चीजें हो रही हैं। 1.5-2 साल हुआ मुझे, 2019 मिड दिसंबर से शुरू किया था तो अब 2 साल हो गए हैं। हिना जी अगर आप बिग बॉस के बारे में बताएं, बिग बॉस मुझे हिना ही बोलो प्लीज, हाँ प्लीज हिना ही बोलो, मुझे वो अपनापन सा लगता है इतने सालों से जानते हैं। नहीं बिल्कुल, तो आप बिग बॉस को कैसे देखती हैं, आप अपनी अपनी जर्नी में बिग बॉस को जो आपने जो कवरेज किया, अब आपको क्यों लगता है कि ये बिग बॉस इतना पॉपुलर क्यों है? बिग बॉस एक तो एशिया का नंबर वन रियलिटी शो है जहां जो स्क्रिप्टेड नहीं है, लोग दावा करते हैं कि ये स्क्रिप्टेड है, ये स्क्रिप्टेड नहीं है। आप देखिए, आप तेजस्वी करण को इतने सालों से जानते थे लेकिन बतौर रियल वो लोग कैसे है, सिद्धार्थ शुक्ला रियल क्या था, रश्मि देसाई रियल क्या थी, तो लोगों को वो जो रियल साइड देखने को मिलता है ना, उससे लोग ज्यादा कनेक्ट हो पाते हैं। आपको ये लगता है कि आप उनकी जिंदगी का ही हिस्सा बन गए हैं, तो इसीलिए मुझे लगता है कि लोग कनेक्ट कर पाते हैं और इसीलिए वो इतना ज्यादा पॉपुलर भी है। और जो लोग बोलते हैं स्क्रिप्टेड है, ये ऑनेस्टली स्क्रिप्टेड नहीं होता है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये इतना फेमस भी है। यहाँ रियल साइड देखने को मिलती है लोगों की। अब आप देखिए कि यहाँ पर शुरू में लगता था कि ये लोग इमेज कॉन्शियस है, लेकिन जो है रियल है ना, जितनी भी लड़ाइयां हो रही है, आपने कभी सोचा होगा कि तेजस्वी घर में ऐसे खाना पकाती है, झाड़ू मारती है, कपड़े धोती है, शमिता शेट्टी जो है खाना भी पका रही है, तो उनका रियल साइड देखने को मिलता है ना। वरना हमारे लिए क्या होता है ग्लैमर एंटरटेनमेंट, कि हम सिर्फ सिल्वर स्क्रीन पर देखते हैं उतना ही, एक्टिंग देखते हैं, उनका रियल देखने को मिल रहा है, तो इसलिए मुझे लगता है ये ज्यादा पॉपुलर भी है। तो आपके अगर बिग बॉस 15 के बारे में कहें तो आपकी क्या राय है बिग बॉस 15 के बारे में? देखिए स्टार्ट ये बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन स्टार्टिंग में ना मैं ये कहूंगी कि सेकंड वीक में जब फर्रा खान आई, उन्होंने जो रैंकिंग दी ना, उसके बाद अंदर जो घर के अंदर लोग थे उन्होंने गेम को उसी हिसाब से खेलना शुरू कर दिया कि नंबर 1-2 कौन है, 11-12-13-14-15 कौन है। अगर देखा जाए तो डोनल विधि को वो बहुत नीचे रखी गई थी, उन्होंने उमर को भी बहुत लास्ट रैंकिंग दी थी, लेकिन ये कुछ ऐसे कॉन्टेस्टेंट थे जिनको वाकई में लोग देखना बहुत चाह रहे थे, तो उसके आधार पर जो एविक्शन होते गए शुरू में, विधि डोनल बाहर चले गए। इसके अलावा जो है अगर मैं कहूँ तो घर के अंदर की इक्वेशंस बहुत सारी उस रैंकिंग के बाद चेंज हुई हैं, लोगों को ये समझ में आया कि बाहर ये ही टॉप 3 में नजर आ रहे हैं, 4 में नजर आ रहे हैं, तो घर के अंदर लोगों का गेम नेचुरल नहीं रहा, वो इक्वेशन के हिसाब से बदलता गया। तो वहां पर ये मुझे लगता है कि उनको इतनी जल्दी रैंकिंग देने की ऑनेस्टली फिलहाल जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनका रियल साइड अभी सामने आया ही नहीं था सबका, तो उन्होंने वो रैंकिंग के हिसाब से गेम खेलना शुरू किया। फर्स्ट वीक में 1.7 की टीआरपी थी अगर मैं गलत नहीं हूं, और उसके बाद 0.91 ऑडियंस से वोट मंगाए गए, उनके आधार पर एलिमिनेशन नहीं हुआ। देखिए हर सीजन की स्ट्रैटेजी अलग होती है, इस बार पैटर्न यही रहा होगा, पर रियलिटी शो में ना ऑडियंस जो अपना टाइम इन्वेस्ट करता है उनको लगता है पावर तो मेरे ही हाथ में होनी चाहिए कि कौन रहेगा कौन जाएगा, तो उनको लगा कि हमारे हाथ से तो ये पावर ही जा रही है। तो जब आपके रियलिटी शो ऑडियंस का गेम, ऑडियंस की पावर, ऑडियंस की पसंद, अगर वही उनसे वो पावर छिन गई तो वो ऑडियंस को लगता है मैं अपना 1.5 घंटा क्यों दूं, तो वो उसके बाद थोड़ा बहुत इस शो को लोगों ने देखना और पसंद करना कम किया। मैं ये नहीं कहूंगी कि सीजन अच्छा नहीं चला, हर सीजन की स्ट्रैटेजीज अलग होती हैं, लेकिन आप रियलिटी शो में ये कभी मत भूलिए कि ये ऑडियंस के लिए है, ऑडियंस का शो है, ऑडियंस के लिए है, ये दो चीज आपको हमेशा याद रखनी ही होगी रियलिटी शो में, तो मुझे ये लगता है। जी आपने जैसे जिक्र किया, आपने स्पेशली बिग बॉस 13 में आपने ज्यादा आपने देखना शुरू किया, तो बहुत से लोगों का मानना यह है कि चाहे वो बिग बॉस 14 हो या चाहे बिग बॉस 15 हो, तो वो एक बिग बॉस 13 की जो पॉपुलैरिटी रही है वो हावी हो जाती है, कहीं ना कहीं वो एक यार्ड स्टिक बन गया है और लोग चाहते हैं कि उसी तरीके के किरदार हों, कोई एक नया सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल फिर से सामने आए, कोई एक नया आसिम रियाज सामने आए, फिर से कोई पारस और माहिरा कुछ सामने आए, ये आपको लगता है आप अगर जैसे ऑब्जर्व जिस तरीके से करें आपकी क्या राय है इसके बारे में? देखिए एक बार जो बेंचमार्क सेट हो गया सिद्धार्थ का, सिद्धार्थ का, शहनाज का, 2 पर्सन कभी भी सेम नहीं हो सकते ना, कंपेरिजन में हमेशा अगर आप जाएंगे तो कोई ऊपर होगा कोई नीचे होगा, और बिग बॉस 13 की जो पॉपुलैरिटी थी उसको मैच कभी नहीं किया जा सकता है, वो बहुत रियल थे, उनकी दोस्तियां भी बहुत रियल लगती थी, उनकी दुश्मनियां भी बहुत रियल लगती थी, मतलब वो बहुत ज्यादा जो है मुझे वो सीजन बहुत ज्यादा रियल लगा। यहाँ पर पता नहीं क्यों शुरुआत में ही लगा कि बहुत सारे लोग जो है ना कैमरा कॉन्शियस हो रहे हैं, कैमरा के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे, तो ये या तो फिर हो सकता है कि 24/7 लाइव फीड का जो प्रेशर ये लोग फील करते हैं, तब लाइव फीड नहीं थी, हमें एक ही घंटा दिखाया जाता था रात का एपिसोड, अब हम पूरा दिन लाइव देखते हैं,
आप समझ रहे हैं, मैं पूरा दिन लाइव देखने के बाद जब रात को वो एक घंटा देखती हूँ तो मुझे ये लगता है कि अरे अगर इन लोगों ने ये सीन दिखा दिया होता, एडिट में नहीं कट किया होता, तो ये तो पूरा का पूरा परसेप्शन चेंज हो जाता। जैसे शुरुआत में बोला गया कि उमर के बहुत सीन काटे गए और उमर ऑनेस्टली एंटरटेन कर रहा था फरीदून, मतलब वो तेजस्वी को गोदी में लेके घुमा, विधि के साथ उसकी मस्ती थी, तो उसके जो घर के बॉन्ड शुरुआत में थे, बाद में एडिटेड नहीं थे, तो वो शुरू में ऑडियंस को लगा कि ये लाइव फीड में था, ये तो बहुत अच्छा था, ये क्यों नहीं डाला, ये तो एडिट कर दिया। और ये हर कंटेस्टेंट के साथ होता है, तो कई बार आपको भी पता है एडिट टेबल पे फिल्म खूबसूरत भी बन सकती है, खराब भी बन सकती है। और बिग बॉस 15 लाइव फीड सब नहीं देखते हैं गाँव में, मतलब हर जगह 24/7 कोई नहीं देखता होगा ना, पर जो बिग बॉस के डाई हार्ट फैन है वो पूरा देखते हैं शो। तो वो जो मुझे लगता है चीजें हैं वो इन पे हावी हुई है कि हम 24/7 भी दिख रहे हैं ऑडियंस को। पहले ये प्रेशर नहीं था, पहले था कि एक घंटा क्या दिखाया जाएगा, वो एंटरटेनमेंट दिखाया जाएगा, तो वो एंटरटेनमेंट बाकी लोगों को बहुत रियल लगता था। लेकिन अब मैं 24/7 देखती हूँ और रात का एपिसोड देखती हूँ, तो फिर मुझे लगता है कि अरे ये चीज भी थी, ये ऐड कर देते, वो ऐड कर देते, उसको भी ऐड कर देते, ये तो अच्छा फन एलिमेंट था। तो कहीं लाइव फीड शुरू होने के उसके मतलब बेनिफिट भी है और नेगेटिव पॉइंट्स भी है, तो ये इसीलिए सारी चीजें शुरू हुई। 13 में जो था वो रियल ही था, उसके अलावा हमने कभी कुछ नहीं देखा ना 24/7 फीड में, तो इसीलिए तो वो मुझे लगता है कि ये भी एक पॉइंट हो सकता है। हिना जी, फिर भी अगर कोई आपके क्या फेवरेट कंटेस्टेंट है या आप कुछ बताना चाहें, वो द कंटेस्टेंट्स दैट मुझे उमर बहुत पसंद था, उमर प्रतीक। मुझे क्या लगता है कि जब आप एक रियलिटी शो में आते हैं और आपका पीछे बैकअप के तौर पर कोई फैन फॉलोइंग नहीं और सिर्फ आपको देखकर आपके जब फैंस बनते हैं, वो आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। मैं आसिम की अचीवमेंट को बहुत, क्योंकि वो जीरो से हीरो बना, तो जो जीरो से हीरो बनता है ना, वो मुझे लगता है कि वो देखिए बहुत बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं शो में, पर वो एक अपने साथ फैन फॉलोइंग लेकर ही आए हैं और फैन फॉलोइंग जोड़ी होगी। पर उमर प्रतीक हम इतना जानते थे, निशांत को क्या जानते थे, लेकिन इतने बड़े चेहरों के सामने अपने आप को इस्टेब्लिश करके, अपने आप को इतने हफ्ते टिकाया, लोगों को अपने से जोड़ा, उन लोगों के सामने अपनी फैन फॉलोइंग बिल्ड की जिनकी ऑलरेडी फैन बेस इस्टेब्लिश था, तो मुझे ऐसे लोगों के लिए ज्यादा लगता है कि ये लोग वाकई में, इनकी अचीवमेंट बड़ी होती है, हालांकि ऑडियंस के आधार पर ही विनर चुना जाता है। तो मुझे करण, प्रतीक, शमिता, उमर ये चार जो है, शमिता हाल फिलहाल में मुझे बहुत अच्छी लगने लग गई। जब मैं पहले गई थी, जब हम मीडिया से टॉप 5 पूछे गए थे, तब मेरी लिस्ट में निशान था, उमर था, शमिता नहीं थी, लेकिन बाद में जो मैंने शमिता के गेम में बदलाव देखा है, जिस डिग्निफाइड और क्लासी वे में वो खेलती है, मुझे लगता है कि वो भी टॉप 5 में होनी चाहिए। तो मैं प्रतीक, शमिता, करण इन तीनों को चाहती हूँ कि, और ये तीनों मुझे लगता है कि अच्छा खेल रहे हैं, इन्हें मिलना चाहिए कुछ। ओके, बट अगर आपको कोई एक, अगर आपको चूज करना तो आपकी कौन पसंद है, मतलब आप एज अ व्यूअर आपको कौन लगता है कि उसको जीतना चाहिए? जीतने के काबिल प्रतीक, करण, शमिता, मुझे लगता है प्रतीक। प्रतीक इज समवन दैट यू फील एंड व्हाई डू यू से दैट? मैंने आपका, आपको मैंने इंटरव्यू देखा था प्रतीक के साथ में। हां हां, मैंने आपसे किया था, मैंने आपका इंटरव्यू प्रतीक के साथ में देखा था। प्रतीक में आपको ऐसा क्या लगता है कि आपको लगता है कि ही कैन बी द विनर? मैंने जो प्रतीक की जर्नी ओटीटी में देखी ना फरीदून, वो मैं हमेशा बोलती हूँ एक जिद्दी बच्चा होता है ना, वहां से लेकर एक मैच्योर मैन की जर्नी मैंने उसमें देखी है। उसको जब चीजों के लेके लताड़ा भी गया तो उसके बाद उसने उन चीजों को सुधारा है। तो देखिए, आप एज अ पर्सन गलतियां तो बहुत करेंगे, हर किसी से होगी, तो गलतियों के आधार पर, लेकिन गलतियां आप कितने लेवल पर करते हैं, उन गलतियों को सुधारते हैं नहीं सुधारते, उसके हिसाब से हमेशा देखना चाहिए। गलतियां तो हर कोई करेगा, रियल लाइफ में भी सभी करते हैं ना, लेकिन प्रतीक की गलतियों को उसने हमेशा सुधारा भी है। वो मुझे ऐसा लगता है कि वो रिस्पेक्ट करता है लोगों की, और अगर उमर होता तो मुझे प्रतीक उमर में लग रहा था कि टक्कर होनी चाहिए थी, तो प्रतीक मुझे रियल लगता है कि नहीं, वो लोग कहते हैं कि वो इंस्टिगेट करता है, वो ये करता है, लेकिन प्रतीक बहुत सारी चीजों में करेक्ट भी होता है, उसने अपने आप पे बहुत कंट्रोल किया है। कल जो लड़ाई हुई फाइट में, उसकी मदर तक को स्टूपिड बोला गया, तेजस्वी के साथ फाइट हुई साइकिल में, उसने बोला तुम मुझ पे चढ़ रहा है, वहां पर उस लड़की ने बाद में रोता हुआ दिखा वो कि यार मेरे कैरेक्टर पे उंगलियां उठी, तो मुझे लगता है, और जो पहले उसको बोला गया था एग्रेशन, उसको एक बार बोला, उसने अपने आप पे कंट्रोल किया। तो गलतियां होने पर आप सुधार भी दिखाते हैं और गलतियों को रिपीट नहीं करते ना, ये आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है ना, जो मुझे किसी और कंटेस्टेंट में नहीं लगी, कि गलतियां करते रहते हैं। प्रतीक भी करता है, लेकिन वो गलतियों को सुधार भी देता है फिर अपनी ना।
एक बार बताने पे, तो वो मुझे अच्छा लगता है प्रतीक में। आपने सलमान खान के साथ में आपने एज अ जर्नलिस्ट आपने बहुत से आपने इंटरव्यूज करे हैं, आपने उनकी जर्नी देखी है, आपने बहुत से इवेंट्स उनके कवर करे हैं, और आप जब सलमान खान को एक एज अ मेगा स्टार देखती हैं, एज अ मूवी स्टार देखती हैं, और जब आप उसको कंपेयर करती हैं कि जब एज अ बिग बॉस होस्ट, कंसिडरिंग कि बिग बॉस की पॉपुलैरिटी इतनी कमाल की है कि वो एक उनका मेरे ख्याल से एक अलग ही सलमान खान की इंडस्ट्री है एज अ बिग बॉस होस्ट। यस, के सर्टन सर्टन महीने उनका जो भी शेड्यूल होता है वो उसके अकॉर्डिंग ही वो उसको बनाते हैं वो, तो कैसे देखती हैं आप ये दो चीजों को, सलमान खान जो सुपरस्टार मूवी स्टार और सलमान खान एज बिग बॉस होस्ट? देखिए, जब वो मूवी स्टार है वो एक कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं, लेकिन सलमान से जो लोग मिल चुके हैं उनको समझ में आएगा कि जो वो मूवी कैरेक्टर भी करते हैं प्ले, वो उनकी रियल मैनरिज्म को ही उसमें डालते हैं, चाहे वो डांस स्टेप हो या जो भी हो। आप भी कितनी बार मिले हैं तो आपको भी रियलाइज हुआ होगा कि सलमान जो है कैरेक्टर को अपने हिसाब से ढाल देते हैं, ऐसा नहीं होता कि वो कैरेक्टर करते हैं ना। बिग बॉस में क्या है, देखिए यहाँ पे रोज के बहुत एपिसोड होते हैं। पहले मुझे ऑनेस्टली को मुझे ये लगता था कि सलमान खान शायद सारे एपिसोड देखते हैं, और अभी भी मुझे लगता है, पर मुझे कई बार जब वो होस्ट करते हैं, जैसे पिछले से पिछले वीकेंड का बार, तो मुझे ये लगा कि शायद उन्होंने स्क्रिप्ट के आधार पर शो होस्ट कर दिया। हालांकि जो सलमान का डेडिकेशन है वो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल इस शो को देखकर फिर अपना ओपिनियन देते हैं, वो इन्फ्लुएंस नहीं होते, पर उनके बिजी स्केड्यूल को देखते हुए मुझे लगता है कि कई बार वो स्क्रिप्ट के आधार पर भी करते होंगे। मैं ये नहीं कह रही कि पूरा बैठकर देखते होंगे, पर जो जो मेजर फाइट्स होती हैं वो उनको जरूर बैठकर देखते होंगे और उसके बाद अपनी बात रखते होंगे। देखिए, पॉइंट ऑफ व्यू हर किसी का हर चीज पर अलग हो सकता है, किसी को कोई लड़ाई सही लग सकती है, किसी को वही लड़ाई गलत भी लग सकती है। पर एज अ होस्ट मैंने सलमान में ये देखा है कि वो हमेशा चाहते हैं कि उनके शो में जितने कॉन्टेस्टेंट आए वो बाहर आकर अपना करियर बहुत अच्छा बनाए। वो हमेशा ये मैंने देखा है कि वो सबके लिए ये सोचते हैं कि किसी का भी करियर खराब ना हो, सब अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करें, और इसके लिए बहुत एफर्ट भी लेते हैं। वो आप भी जानते ही हैं कि शो में ही नहीं, शो के बाहर भी आज राखी कितना बोलती है, वो सच में करते हैं, सबके लिए करते हैं। लोग बोलते हैं कि वो शमिता के लिए बायस है, मुझे ये लगता है कि वो शमिता के लिए बायस नहीं है, वो उनको इतने सालों से जानते हैं इसलिए वो कनेक्ट कर पाते हैं, वो उन्हें समझ पाते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया होगा। तो उतनी चीजों में उन्हें थोड़ी बहुत तो लिबर्टी देनी चाहिए था, इंडस्ट्री में इतने सालों से हैं वो। अब शमिता को जानते हैं ना, जैसे हम सलमान को मतलब उतना तो थोड़ा पहचानते ही है कि वो उनका जो कैरेक्टर वो करते हैं, हमें पता है कि वो अपनी चीजों को कितना डाल देते हैं ना उसमें। तो वो मुझे लगता है कि सलमान खान बतौर होस्ट और मेगा स्टार बहुत अलग अलग चीजें नहीं है, दोनों में वो रियल ही रहते हैं। लेकिन मुझे जब लोग कहते हैं कि वो बायस हैं, वो शमिता को फेवर कर रहे हैं, और खैर मुझे उम्र को लेकर ये बार बार लगा कि उन्होंने शायद उसको समझने की कोशिश नहीं की क्या, क्योंकि उम्र को चांस बहुत कम मिला अपने आप को क्लियर करने का। हाँ फरीदून, अगर आपने भी एपिसोड देखे होंगे तो बतौर ऑडियंस मैं उसका पक्ष शो के अंदर ही कई चीजों को लेकर जानना चाह रही थी जो उसे मौका नहीं मिला। तो कई जगह सही भी हो जाता है, कई जगह गलत भी हो जाता है। अब एडिटिंग टेबल का भी कमाल है कि कितना शूट होता है, कितना दिखाया जाता है ना। ईना, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, एंड और मैं चाहूंगा कि मैं आपसे फिर और भी जुड़ूं, बिकॉज मुझे तो सीखने का मौका मिल रहा है आपके तजुर्बे से, स्पेशली बिग बॉस के तजुर्बे से। सो बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट विशेस फॉर 1 मिलियन। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर काइंड वर्ड फरीदून, थैंक यू। माय ऑनर, तुम्हारे साथ मैं इंटरव्यू कर रही हूँ, ये मेरा ऑनर एक्चुअली। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।